हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपके सीधे पैर में खुजली हो रही है तो इसका क्या मीनिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, ये वीडियो फीमेल के लिए है। जो लड़की है, औरत है, उनके पैर में अगर खुजली हो रही है तो उन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लड़के हैं तो वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा यूनिवर्स के लिए एक संकेत बन जाती है। हालांकि उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं, बट एक प्रथा बन जाती है पूर्वजों के द्वारा और वो चली आ रही होती है और उसे यूनिवर्स एक मैसेज के रूप में दिखाने लगता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पैर के तलवे में खुजली होने की मैं बात कर रहा हूँ। पैर में खुजली होने का मतलब पैर के तलवे में खुजली होना। और अगर ये अचानक से अभी कुछ दिन से हो रहा है, 2-3 दिन, 4-5 दिन से हो रहा है, तब ये वीडियो देखिएगा। अगर इससे अधिक 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन हो गए हैं तब आप खुजली की मेडिसिन ले लीजिएगा। हो सकता है कि ये एक ईचिंग हो, एक बीमारी भी हो। अगर आपके सीधे पैर में खुजली हो रही है तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि आप को यात्रा में आप कहीं यात्रा करेंगे, मतलब कि कहीं सफ़र करेंगे, चाहे आप रिश्तेदारी में जा सकते हैं या किसी काम से जा सकते हैं, कहीं भी आपको जाने का मौका मिलेगा। लेकिन यूनिवर्स आपको पहले से ही सजेस्ट कर रहे हैं, पहले से ही सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने सफ़र के लिए सावधानी से करिएगा अपना सफ़र। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पलटी, बुखार, ऐसी कुछ समस्याएँ पैदा हो जाती हैं सफ़र के दौरान, तो उन चीज़ों को ये शो करता है कि ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके सफ़र के लिए जाना चाहिए। दूसरा, आप जहाँ सफ़र के लिए जाएंगे, जिस काम से जाएंगे, उसे भी बहुत हिसाब से करने की ज़रूरत है। इस बात की संभावना है कि शायद वो काम उस तरह से ना बन पाए जैसा आप चाहते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या ये सच में लागू होगा आपके लिए? तो मैं बता दूँ कि नॉर्मली यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके अनुभव पर यूनिवर्स चलने लगता है। जैसे कि आपके सीधे पैर में खुजली हो रही है तो मैं जो बता रहा हूँ ठीक उसके विपरीत हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री के शरीर में पुरुष की प्रधानता ज़्यादा हो जाए। पुरुष की प्रधानता जब ज़्यादा हो जाएगी तो सीधा पैर उसे शुभ फल देने लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप जब सफ़र करें तो देख लीजिएगा कि आपको कैसा फल मिला है और बाद में कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा।